अटका हुआ है ना, तो एक 38 मेरा बस नहीं आ रहा है। थैंक यू। यस गॉट इट। हां लगा रिकॉर्डिंग में छोटा दादा ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?
अरे बहने वाला भैया बहुत सुंदर, आइए आइए बिल्कुल। चाची को भी उस समय बोला था, चाची ने बोला था कि चाची आ जाएगी तो मैं बताऊंगी। अब चाची का समय है, जो बताएं कि उनका सबसे अच्छा क्रिसमस कौन सा था। कंचन मुलारी आज नहीं पता कंचन मुलारी क्या क्या बना है उसके लिए। हाँ लाएंगे पापा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्रिसमस का त्योहार देखा है, इंजॉय किया है, पर आज का दिन ऐतिहासिक है और इसका श्रेय रमन को जाता है कि उसने इतने सुंदर वातावरण में एक पूरे परिवार और हमारे परिवार के बहुत ही करीबी मित्रगण भाई सब छोटे मतलब लोगों को इकट्ठा करके एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। इसके लिए मैं आपको थैंक्स भी दे रही हूँ और बहुत बहुत क्रिसमस की बधाई भी दे रही हूँ। और हाँ ये जरूर कहना चाहूँगी कि जबलपुर में जब मेरे माता पिता भाई बहन सब दिल जब थे तब हम लोग इसी तरह सिल्वर बैठ कर के क्रिसमस का त्यौहार इसी समय इसी प्रकार से मनाते थे। क्रिसमस कैरल होता था,
ड्रिंक्स का ध्यान होता रहता था जैसा अभी हो रहा है, और स्नैक्स भी चलते रहते थे, तो मुझे लगा कि वही समय वही वक्त दोबारा आ गया है। थैंक्स अ लॉट। Thank you very much. Thank you very much for appreciating me. पर उसी दूसरे नंबर उधर लेना चाहता हूँ कि आपने सर जो हमारे बीच में आ रहे हैं उसके बहुत बहुत सलाह, और सबसे ज़्यादा चाचा के लिए और भाई के लिए कि एक बिजी शेड्यूल से उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे बीच में आए। चाचा के साथ मैं कभी क्रिसमस को भी मनाया हूँ, डायबिटीज में ही मनाया हूँ, तो पहले से कभी मैं चाचा के साथ मनाया नहीं, क्योंकि हर समय चाचा का एक्सपर्ट थे, अलग अलग जगह रहते थे, कभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो कभी जा नहीं पाता था। और बचपन में जब हम लोग पटना में रहते थे तो उस समय चाचा बाहर पढ़ते थे, परंतु मलनिया नदी में चाचा जब आते थे और हमारे साथ आते थे वो तो कुछ करने के लिए खुश हुए, और अपने आप नहीं पहचान पा रहे थे, बोल रहे कि मैं ये नहीं हूँ, बोला नहीं ये आप ही हो, थोड़ा अच्छे से पहचाना हूँ। चाचा बोले हाँ यार मैं हूँ, फुंड वाले नहीं एक और। तो अब चाचा से रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा सा बताएं कि चाचा का सबसे अच्छा क्रिसमस कौन है। Very difficult to say. खास तौर से मेरे से नाराज हूँ। हेलो हेलो, खास तौर से जब बीबी बाई तरफ बैठी हो तो ना सच बोला जाता ना झूठ। सही। कि सबसे अच्छा क्रिसमस कौन सा था, रमन ने याद दिलाई है मलनिया की। एक छोटा प्रपात होता था भैरवी माता गर्जन धारा, उसमें प्रतिबंध था कि अगर उसमें नहाना है हम बोल रहे तो कपड़े नहीं पहन सकते, और नए कपड़े बनवाते थे क्रिसमस के लिए। तो ना जाने उस समय रमन जैसे लोग तो फोटोग्राफर नहीं, पर मैंने बहुत कोशिश की है कि उस क्रिसमस की फोटो अब किसी को उपलब्ध नहीं है। पर जैसे मैं अपने बर्थडे सूट में बाहर तो किसी ने वो फोटोग्राफ की, और मुझे वो क्रिसमस बहुत दिन तक याद रहा, रेनू के सामने बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ की लड़कियां उस फोटो को लेकर मुझे क्रिसमस आते तक साल भर चिढ़ाया करती थी, और उनका चेहरा मेरा कुछ ना समझना, और जब समझ में आया तो उस फोटो को डिस्ट्रॉय कर दिया, उस क्रिसमस को बचपन की यादों से कहना। कितना छोटा गांव था, कितने छोटा समाज था, सब एक साथ एक सप्ताह तक मनाते थे वो क्रिसमस। बचपन के पहले 16 वर्षों के हमेशा याद रहेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा यादगार वो क्रिसमस है जिसमें किसी ने नटखटी से मेरी वो फोटो
और किसी के पास हो तो मुझे लौटा, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी गिफ्ट सभी अच्छे होते हैं। हेलो, क्रिसमस तो सभी अच्छे होते हैं पर सबसे अच्छा क्रिसमस तो मैं नहीं बता पाऊंगा। सबसे एम्बैरेसिंग क्रिसमस क्या था वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम लोग इंदौर में रहते थे, इंदौर में मैं डेली कॉलेज में पढ़ाई करता था और वहाँ हम सब वाइट चर्च के मेंबर्स हुआ करते थे और हर साल वहाँ क्रिसमस ट्री एंड डिनर का आयोजन रेवरेंट दिलराज जी कराते थे और क्रिसमस में तरह तरह के गेम्स होते हैं, गेम्स खेले जाते थे, हम लोग भी उस पर भाग लेते थे। मुझे याद है कि एक खेल था जिसमें अगर पादरी साहब कुछ बात बोलते थे बाइबल नॉलेज को लेकर, बाइबल का ज्ञान को लेकर, और अगर वो बात सही होती थी तो सबको दौड़ना पड़ता था और जो पहले वहाँ पहुँचता था उसको इनाम मिलता था। दिस वॉज अ गेम प्लेड ड्यूरिंग क्रिसमस और ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हुआ करते थे। तो एक जो स्टेटमेंट दिया गया पादरी साहब के द्वारा कि जीसस का जन्म नजरेथ में हुआ, ये कहा गया और सारे लोग तैयार खड़े थे कि अगर कोई सही बात होती तो दौड़ के वो उधर जाते और जो भी पहले पहुंचता उसको इनाम मिलता। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारे पादरी साहब ने ये बोला कि जीसस का जन्म नजरेथ में हुआ तो मेरी आदरणीय माता जी जो यहाँ बैठी हैं ऐसा तेजी से दौड़ी उस इनाम की तरह और वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी थे, सब जानते हैं, जो मेरे क्रिश्चियन भाई नहीं है उनको मैं बताना चाहूंगा कि जीसस का ग्रह ग्राम नजरत था पर उनका जन्म बेथलहम में हुआ और क्रिसमस में ये बात जो है बच्चों को शुरू से पढ़ाई जाती है, जो नेटिविटी प्ले होता है कि यीशु मसीह का जन्म बेथलहम में एक मेंजर में अस्तबल में हुआ था, गौशाला में हुआ था मेंजर में, ये सबको मालूम है जो 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 हमारे क्रिश्चियन धर्म मानने वाले। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये पादरी की लड़की जो रोज, ऐसा होता है कि मैं कई बार बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी भी शायद इतनी बार बाइबल नहीं पढ़ते हैं पर मेरी माँ है रोज 2 घंटे बाइबल पढ़ती और इतनी सरल सी चीज पे वो इतने उत्साह के साथ उस इनाम की तरफ दौड़ी और ये बात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो ये मेरा अद्भुत क्रिसमस बहुत सुंदर, बहुत गवाही है सच में, एक एम्ब्रेसिंग मोमेंट। हमें दुआ कर सकते हैं कि ये रहा होगा, अगर नहीं क्रिसमस का समय है तो मजा करते हैं कोई भी उसके लिए होगा। अब हम आखिरी कंक्लूड करेंगे हमारी प्रिय टॉली से, रिचा सामने आ जाओ और और इसको मैंने 3 सेगमेंट्स में बांटा है। सबसे अच्छा क्रिसमस हम लोग सेलिब्रेट करते थे
वॉज अ चाइल्ड चाइल्डहुड में मोतीमपुर जरहा गांव जहां आप गए हैं, तो वहां दादी दादा के साथ पापा के साथ ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट करते थे जैसे आज रमन मामू सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे अच्छा क्रिसमस रहा वो 2012 में रहा, व्हेन आई गॉट मैरिड टू अमित जी, और मैंने अपने नए घर में सेलिब्रेट किया मम्मी पापा के साथ, इनके साथ, तो वो एक दूसरा बहुत अच्छा क्रिसमस था। और फिर तीसरा जो सेगमेंट मैंने किया है वो आज है जो रमन मामू हमको सेलिब्रेट करवा रहे हैं, तो थैंक यू रमन मामू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अब डैडी को मैं माइक दूंगा प्रेयर करने के लिए।